क्या आप जानते हैं पिछले साल सूरत सिटी में 236 मोबाइल चोरी हुए थे और हमारी शानदार सतर्क पुलिस ने उनमें से 174 जितने जो गुनहगार थे उनको धर दबोचा। कितना सराहनीय काम है। पर आपको ये पता है कि ये जो चोर होते हैं, ये जो स्नैचर होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस तरह से ये चोरी करते हैं, किस तरह से स्नैचिंग करते हैं और किस तरह से आपको पता भी ना चले उस तरह से आपका मोबाइल लेकर चले जाते हैं। अरे आजकल तो 50,000 का मोबाइल मामूली सी बात है और मानो 50,000 रुपए की गड्डी आप अपने कानों पे लगा के चल रहे हैं और उसे कोई छीन के ले जाए तो जिसके हाथ से वो चीज जाती है उसके ऊपर क्या दिखती होगी। आम तौर पे जो विक्टिम होते हैं वो आपको हादसा सुनाते हैं, आज वो आपको चीजें बताएंगे, वो अपने आइडिया शेयर करेंगे जो खुद एक स्नैचर है। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उन्हीं की स्ट्रेटेजी, उन्हीं का कारनामा। हाँ, मैंने बहुत मोबाइल चुराए हैं। जब लोग लापरवाही दिखाएंगे तो हम जैसों को तो मिलेगा ना मौका मोबाइल चुराने का। हम सब पे नजर रखते हैं, तो कोई रोड पे जा रहा है तो हम उस पर ध्यान रखते हैं कि वो मोबाइल कहाँ रखता है। बाइक चलाते हुए फ़ोन पे बात करें, किसने अपना मोबाइल साइड के पॉकेट में या पेंट के पॉकेट में रखा हुआ है। हम तो खाली ध्यान रखते हैं उनके मोबाइल के ऊपर कि कब उनकी नज़र हटे और हम मोबाइल लेके निकल जाओ। या जैसे कि कोई खुल गया है कहीं तो हम ले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलने देते हैं मोबाइल कब हमने उनका गायब कर दिया। तो देखा दोस्तों, ये किस तरह से अपने कारनामे को अंजाम देते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है इनकी, और वो आपने सुनी उन्हीं की जुबानी। पर अब सुनते हैं उनकी आप बीती, जिनका मोबाइल उनसे छीना गया था, चोरी किया गया था और सतर्क सूरत पुलिस ने किस तरह से उनको न्याय दिलाया, आइए वो भी जानते हैं। मेरा नाम दिव्या मोदी है, ये मेरा लड़का है दिवंश मोदी। मेरे लड़के के साथ सरथना नेचर पार्क जाने के लिए निकल रही थी, तब एक अननोन पर्सन मेरे दिवंश के जेब में से मोबाइल लेकर चला गया। पता चला तब हम पूना पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक हफ्ते में तुरंत ही उन्होंने मोबाइल ढूंढ के निकाला। मेरा नाम पवन राजपूत है, मैं सुबह में हर दिन मेरे लड़के को छोड़ने जाता हूँ स्कूल में। तो क्या हुआ कि मैं उधना से जा रहा था, पीछे से दो स्पोर्ट बाइक पे बंदे आए, उन्होंने मेरी वाइफ के लेफ्ट साइड के लेग में पहले आगे का टायर उन्होंने टच किया, तो मेरी वाइफ ने जोर से चिल्लाया तो वो पीछे चले गए। फिर वो लोग वापस आए, वापस आने के बाद उन्होंने मेरे जेब में हाथ मारा, हाथ मार के मोबाइल मेरा ऊपर के जेब में से, तो वो लोग तेज करा के चले गए। मैं कंप्लेंट नहीं कर पाया क्योंकि स्पोर्ट बाइक पे उनका नंबर प्लेट ऐसा कुछ नहीं था। फिर 2-3 दिन के बाद क्राइम ब्रांच से मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि उधना पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट कराओ, फिर उसके बाद में आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा ऐसा। तो उसके लिए मैं क्राइम ब्रांच वालों का और उधना पुलिस स्टेशन वालों का आभार व्यक्त करता हूँ। कई बार हम गलती कर जाते हैं तो उसके लिए हमें अपने जो थोड़े थोड़े हैबिट्स है उसको चेंज करना है, जैसे कि मोबाइल को इधर उधर नहीं रखना है, चुपके से कोई आपके पास आपका मोबाइल छीनने तो नहीं आ रहा है ये भी ध्यान रखना है। आप ऑटो में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो आपका मोबाइल इजी एक्सेस की जगह पे नहीं रखना है। और इसके अलावा आप हैंड फ्री का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप चल के जा रहे हैं और किसी का फोन आ जाता है तो आप चलते हुए बात न करके किसी दुकान या शोरूम में जाके बात या मैसेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने से आपका मोबाइल चोरी होने से बच सकता है। सूरत सिटी पुलिस की ये कोशिश है कि हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे पाए, इसलिए हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट द्वारा EFIR का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे डिजिटल माध्यम से आपका कोई भी आपके साथ कोई भी घटना घटित हो तो हम उस पर रख सकते हैं डिजिटल FIR, हम आप तक 48 घंटे में पहुंच जाए। तो देखा आपने किस तरह से सूरत सिटी पुलिस आपके साथ हमेशा रहती है ताकि आप सुरक्षित रहें और आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। सूरत सिटी पुलिस इसीलिए कहती है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सूरत सिटी पुलिस द्वारा जनहित में जारी है।